सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल वजीराबाद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम है मुर्तजा और आप देख रहे हैं टेक्निकल वजीराबाद। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप YouTube कवर पिक्चर कैसे बना सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इजीली है, बल मैं आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन का नाम है PCR। दोस्तों वैसे तो ये हर किसी के मोबाइल में हर किसी ने डाउनलोड किया हुआ है, तो जिस अगर आपके पास नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों को नहीं मालूम कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, ये देखें जिधर मेरा टाइटल लिखा होता है आप उस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों मैं एक दफ़ा आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी वाईफाई ऑन की है, वाईफाई ऑन करने के बाद मैंने अपने देखो यूट्यूब ऑन किया है और मैं आपको बताता हूँ अभी कि आप कैसे वो देख सकते हैं। ये देखिए ये मेरा चैनल शो हो गया, तो मैं क्या करता हूँ अपने चैनल पे जाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा चैनल ओपन हो गया। चैनल ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ये वीडियो चलाते हैं तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये देखें ये मैंने स्टॉप कर लेता हूँ इधर, कैसे देख सकते हैं। चलो हम उसे ये देखें, जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी मोबाइल से सब्सक्राइबर कम पर कैसे आप देख सकते हैं, जैसे सब्सक्राइबर आप कैसे देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीम अपने यूट्यूब पे कैसे दिखा सकते हैं। तो ये देखें ये आपने जैसे ही देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये जिधर मोबाइल से सब्सक्राइबर कम इन स्क्रीन जिधर लिखा हुआ आपने इस पर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाना, तो ये देखें ये मेरी डिस्क्रिप्शन शो हो गई है, तो इस जगह पे मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, तो इधर से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चैनल का कवर इमेज बना सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम अपना PCR ऑन कर लेते हैं। इधर गया PCR हमारा आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, डिसमिस इसे कर देता हूँ और आपको मैं भी बताता हूँ। ये देखें जब भी आप अपना PCR ऑन करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे ये जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये नीचे ड्रा वाले क्लिक करना है, और जैसे ही आप ड्रा वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे एक दफ़ा क्लिक करने के बाद तो आप इधर से गैलरी से भी अपनी इमेज ले सकते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप उधर से ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इधर से साइज़ भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप साइज़ कैसा ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इधर मैंने अपनी इमेज बना के रखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ किधर गई है इमेज। दोस्तों इधर मैं ढूंढ लेता हूँ इमेज, तब तक के मैं वीडियो थोड़ी सी स्टॉप कर। तो दोस्तों मुझे वो पिक्चर मिलने लगी है, तो आप चलो मैं इधर से कोई लगा लेता हूँ। तो जैसे मैं ये वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये कस्टम पे क्लिक करना है इस पर। तो ये नंबर दोस्तों आप जो है ना चाहे अपनी डायरी पे लिखें चाहे कुछ भी लिख लें। और अब जब आप अपना यूट्यूब ऑन करेंगे तो उस पर देखते हैं 1000 जैसे 1152 और ऐसे ही, और फिर आगे ऐसे कुछ नंबर देते हैं कि इस तरह की साइज़ अपनी पिक्चर बनाओ तो फिर आपकी पिक्चर लग सकती है। तो वो भी नहीं लगती अगर आप वो ऐसी बनाते हैं तो भी नहीं लगती। तो दोस्तों ये नंबर आप लिख लो किसी जगह पे भी, और ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करो तो आपकी बिल्कुल ही कमाल की कवर पिक्चर लगेगी। तो दोस्तों आपने ये नंबर आपको नज़र आ रहा है आपने किसी कॉपी पे या किसी जगह भी लिख लेना है। आपने जब भी अपने चैनल का कवर पिक्चर बनाना है तो ये साइज़ आप किसी जगह पर भी टेक्स्ट टाइप करके अपना वो बना सकते हैं। चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं जैसे ये कर लूँ, जैसे कोई भी जैसे मैं चलो
ये वाइट ही कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद ऊपर टूथ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही देखें मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया है, आपको ऊपर फिर तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये नीचे एडेड इमेज लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं ये देखें ये हमारे ये साइज़ फिट हो गया है। तो दोस्तों तो आपको जो भी बताएगा वो बिल्कुल ही किसी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, लेकिन आप उसको जब फॉलो करते हो उस वीडियो को, फॉलो करने के बाद अपनी जब खुद की कोई कवर पिक्चर बनाने लगते हो तो वो नहीं बनती, वो साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। दोस्तों मैं 100% नहीं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी ये पिक्चर नहीं लगी तो आप कमेंट में कुछ भी मुझे बोल सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो ये मेरी पिक्चर जो मैंने बताई है कवर पिक्चर पे लग गई तो दोस्तों तो इस वीडियो के लिए फिर तो एक लाइक बनता है। तो इसके बाद आगे हमने क्या करना है, तो हमें इस पर जो भी टेक्स्ट करना है जिसे टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक्निकल, जैसे कि हमने देखो अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ, और इधर से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद ये देखें इधर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये देखें इधर से कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ये देखें चाहे इधर से ऐसे करके आगे फिर मैं सेव कर देता हूँ, या कोई और कलर रखना है तो आपने कलर रख सकते हैं। और ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें फिर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं लिखता हूँ न्यू अपडेट ऑल टाइम, ये मैं न्यू अपडेट ऑल टाइम लिख देता हूँ। और ऊपर ये देखें मैं पहले इसका मैं कलर लगा देता हूँ, अगर जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपने ऐसे छोटा बड़ा जो भी करना है इधर से आप कर सकते हैं। तो फिर मैं टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने इधर अपनी को पिक्चर लगानी है तो नीचे ये एडिट फोटो है, आप इधर से जाके कोई अपनी भी पिक्चर लगा सकते हैं, इधर से एडिट करके जैसे भी आपने लगानी है लगा सकते हैं, जो कुछ करना है आपने कर कुर के अपनी एडिटिंग जैसी करनी है वैसे आपने अपनी एडिटिंग करके तो ऊपर तीर ऑप्शन पे क्लिक करके ये इमेज को सेव कर देना है। तो चलो इमेज ये हमारी सेव हो गई, तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि गैलरी में ये आ गई है या नहीं आई, किस टाइप की आई है। तो ये दोस्तों मैंने पहले की पिक्चर बना के रखी हुई थी आपको दिखाने के लिए, तो ये देखें ये जो हमने अभी बनाई है न्यू अपडेट ऑल टाइम टेक्निकल वज़ीराबाद। तो आप इस पे कुछ और भी टाइपिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इजीली, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे अपने चैनल का कवर पिक्चर बनानी है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब कुछ डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों अपने हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया, अभी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, तो ऐसे ही हम लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यू वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, ओके अल्लाह हाफिज़।